जैसा कि आपको मालूम है कि 1 जून को हमारे प्रदेश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। कईयों से हमने आपको जो हमारी तैयारियां हैं और अब तक का जो हमारे अभी जो इलेक्शन से संबंधित जो भी कार्य थे उसके बारे में आपको जानकारी देने के बारे में था। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद इसलिए भी करूँगा कि जितना भी हमारा जब से नोटिफिकेशन हुआ था इलेक्शन का और प्रचार के आखिरी समय तक आप सब लोगों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा और मीडिया में हमारी जो रिपोर्टिंग थी बहुत अच्छी रही, खासकर जो हमने स्पीच का कार्यक्रम चलाया था, जो वोटर अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम था इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के कि हर मतदाता को जागरूक किया जाए, तो आपके माध्यम से वो बहुत अच्छी कवरेज हुई और मुझे लगता है कि हम हर वोटर तक हमारा संदेश पहुंचाने में सफल हुए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस दौरान जो आपकी रिपोर्टिंग भी रही, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया है, बहुत अच्छी रही और हमने इसके लिए आप सब के बहुत आभारी हैं। इसके अलावा जो हमारे जो ब्रीफ की जो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आप हमारे कल के लिए क्या तैयारियाँ हैं और कितने हमारे जो वोटर्स हैं टोटल हमारे कितने हैं, टोटल जो हमारे पास है 4,23,121 वोटर्स इस मत के निर्वाचन में अपना मतदान कर पाएंगे, जिसमें 2,16,387 मेल मतदाता है, 2,06,728 की मेल मतदाता है, 6 ट्रांसजेंडर मतदाता है। और जो सर्विस इलेक्टर्स है, जो आपको मालूम है कि हमारे लोग जो सेना में है उनकी जो संख्या है वो 2,781 मेल है, 61 फीमेल है और टोटल इनका 2,842 सर्विस इलेक्टर्स इसमें मतदान में इसका भाग लेंगे। आपको मालूम है कि हमारे 592 पोलिंग स्टेशन है, 1 ऑब्जर्वरी पोलिंग स्टेशन हमने और बनाया था, ये सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंसी में है जहाँ एक लेप्रेसी वार्ड है, लेप्रेसी होम है हमारा, एक हॉस्पिटल है ढीलों में तुम्हारा किसी आगे, और उसके लिए अलग से एक ऑब्जर्वरी पोलिंग स्टेशन बनाया गया है क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसमें उनके लिए ऐसा अलग प्रावधान करने का प्रावधान शुरू करने के लिए लिखा गया है। एक ऑब्जर्वरी पोलिंग स्टेशन लेप्रेसी हॉस्पिटल रूरल हॉस्पिटल लोहानजी में है, ये अलग से बना है। जो टोटल पोलिंग स्टेशन जो है उसमें से 42 पोलिंग स्टेशन हमारे क्रिटिकल है, जिसमें 5 अट्ठी के, 18 नालागढ़ के, 15 दून के हैं, 1 सोलन का है और 3 कसौली में है। इसके अलावा जो क्रिटिकल और दूसरे जो मतदान केंद्र है उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए 314 पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग से मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसकी मॉनिटरिंग सब डिविजन लेवल पे यहाँ पे और स्टेट लेवल पे भी होगी, वहाँ से सीधा पोलिंग स्टेशन की लाइव फीड हमें मिलेगी। स्टिल कैमरा से 206 पोलिंग स्टेशन पे निगरानी रखी जाएगी, 72 पोलिंग स्टेशन पे वीडियोग्राफी की जाएगी, 56 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगाए जाएंगे 56 पोलिंग स्टेशन पे ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे पोलिंग प्रोसेस का हम लोग मॉनिटरिंग कर सके और उसके पे भी किसी भी तरह का कोई इरेगुलरिटी या कोई गड़बड़ ना हो। इसके अलावा जैसे मैं पीछे भी कहा था, हमारे 10 पोलिंग स्टेशन वेमेन मैनेज होंगे, तरक्की के 2 हैं, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-2 वेमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन होंगे। तरक्की में ये शहीद कैप्टन विजय ठाकुर स्कूल है गर्ल्स स्कूल में और दूसरा बॉयज स्कूल में है, नालागढ़ में कबड्ड प्राइमरी स्कूल गर्ल्स नालागढ़ में है और पंचायत घर दत्तोवाल में होगा, दून में हरी रायपुर स्कूल में प्राइमरी स्कूल में है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानपुरा में है, सोलन में PWD रेस्ट हाउस सोलन और म्यूनिसिपल कमेटी का जो ऑफिस है वहाँ पे है, और कसौली में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस कुमारटी और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस किमुघाट गढ़खल में है।
इसके अलावा कुछ पोलिंग स्टेशन यहाँ पे मॉडल पोलिंग स्टेशन मॉडल दिखाए गए बनाए गए हैं जिसकी इनकी संख्या भी अलग अलग है। अर्की में ये चार पोलिंग स्टेशन हो गए, खाली रौड़ी अर्की और गवारी। नालागढ़ में बॉयज स्कूल हरिजन बस्ती बॉयज स्कूल नालागढ़ है, चुहूवाल है, नन्नोवाल और राजपुरा हो गए। दून में गुरु माजरा मानपुरा बागवानिया किशनपुरा में है। सोलन में वार्ड नंबर एक ऑपरेशन सर्कल एस सी की डिप्टी है, ऑफिस में बिजली बोर्ड के ऑफिस में है, बैंक में होगा, तहसील ऑफिस में और कोर्ट डी सी ऑफिस के वेस्टर्न पार्ट में है। कसौली में ये कसौली में बक्साई धर्मपुर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाला बरौटी में होगा, एस जी वन लिमिटेड का ऑफिस है जहाँ पर परवानों में और कसौली कंट्रोल बोर्ड मिडिल स्कूल में ये होगा। पांच पोलिंग स्टेशन यूथ मैनेज होंगे जो तरक्की में बायला है, नालागढ़ में पांवला है, पानवाला पनवाला है, दून में तरंगला है, सोलन में बाकरा और कसौली में नारायणी है। इसके अलावा ग्रीन पोलिंग स्टेशन होंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक होगा, अर्की में बातल हाई स्कूल में, नालागढ़ में बॉयज हाई स्कूल में, दून में सिंगल विंडो सिस्टम का ऑफिस जो है इंडस्ट्री का, सोलन में रजिस्ट्रार नॉन यूनिवर्सिटी में और कसौली में तीन होंगे, तीनों कंटोनमेंट बोर्ड सभाजू दक्षाई और कसौली के ऑफिस में। एक्सेसिबिलिटी का जो इशू है हर पोलिंग स्टेशन में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होंगी, रैंप इलेक्ट्रिसिटी वाटर सब सुविधाएँ होंगी, जहाँ पे दिव्यांग हमारे वोटर्स हैं वहाँ पे व्हील चेयर का भी प्रावधान किया गया है, व्हील चेयर हमने दे दी। 592 हमारी पोलिंग पार्टी डिपार्टर हो गया था, कल सबका सेफ अराइवल की सूचना हमें आ गई है। 20 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 71 सेक्टर ऑफिसर्स होंगे। जो टोटल स्टाफ हमने इलेक्शन ड्यूटी में लगाया है वो है 2372 पोलिंग पर्सनल इसमें लगे हैं। इसके अलावा जो पुलिस और जो होम गार्ड के जवान हैं वो इसके अलावा हैं, और जो हमने जो यहाँ पे एक्सपेडिशन मॉनिटरिंग में जो कार्रवाई हुई थी तो सीजर हुए हैं वो मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि इस दौरान जो कैश है ₹6,05,700 सोलन में कैश पकड़ा गया था और बद्दी में ₹6,44,695 तक कैश सीजर हुआ था। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें थी वो भी शराब आल की पकड़ी गई। कल जो पोलिंग का टाइम होगा वो 7 बजे से सुबह 7 बजे से 6 बजे तक होगा, और सारे मतलब उससे पहले मतलब 6 बजे के बाद हमें सुबह पहले मॉक पोल कराना है और मॉक पोल के बाद फिर ये सीलिंग का प्रक्रिया होगी और 7 बजे एग्जैक्ट मतदान हमारा शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो मेजर्स है जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो एस पी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा बताएं कि इस दौरान किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और बॉर्डर पे क्या गतिविधि और क्या इंतजाम किए गए हैं, तो मैं एस पी साहब से रिलेटेड बोलूँ, फिर हम लास्ट में आपको काउंटिंग के बारे में फिर हम बात में आते हैं। थैंक यू सर। जनरल इलेक्शन लोकसभा 2024 शिमला पालीगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में सोलन जिला जिसमें बद्दी पुलिस जिला शामिल नहीं है, बद्दी से एसपी हमारे मैडम जुड़े हैं तो उसके लिए अलग से ब्रीफिंग करेंगे। इसमें जिला सोलन में 384 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, इनमें से 7 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं। ये सभी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन मैं एज पर स्टैंडर्ड एसएपी का डिप्लॉयमेंट है, झारखंड एसएपी जिसकी 4 कंपनियां हमें पुलिस को प्रोवाइड की गई थी ये डिप्लॉयड है। इन सभी पोलिंग स्टेशन पर जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं उस पर डीसी सर और मैंने पर्सनली विजिट किया, सभी इंतजाम चेक किए हैं। इसके अलावा इनके जो वल्नरेबल पॉकेट्स के एरियाज हैं इनमें हमने एसएपीज के द्वारा फ्लैग मार्च भी कंडक्ट करवाई है और बाकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी लिए हैं।
सोलन जिला पुलिस का 31 किलोमीटर का बॉर्डर जो है हरियाणा के साथ लगता है। इसमें हरियाणा के पंचकुला जिले के साथ ही बॉर्डर लगता है, जिसमें कालका और पिंजौर दो थाने हैं, जो सोलन की सीमा के साथ कसौली और परवाणू थानों से लगता है। इस एरिया में 7 इंटरस्टेट नाका पॉइंट्स एस्टैब्लिश्ड हैं। इन सभी नाका पॉइंट्स पर CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड हैं और इन सभी नाका पॉइंट्स पर झारखंड SAP की फोर्स भी डिप्लॉयड है। इसके अलावा नाकाबंदी और रैंडम चेकिंग, इन सभी प्रकार की ड्यूटीज में इंटेलिजेंस गैदरिंग के माध्यम से भी सोलन पुलिस द्वारा कुछ इस प्रकार से सीजर्स किए गए हैं, जिसमें 1300 लीटर से ज्यादा शराब की जब्ती की गई है, 65 ग्राम से ज्यादा हेरोइन, करीबन 39 किलो चरस, थोड़ा गंजा और 6300 से ज्यादा कैप्सूल्स और टैबलेट्स की जब्ती की गई है। इसके अलावा करीब 10 लाख की कैश और बैंक चेक्स की जब्ती भी की गई है। इस दौरान कुल 29 केसेस एक्साइज एक्ट में दिए गए हैं, 13 केसेस NDPS एक्ट में डिटेक्ट किए गए हैं, 1 केस गैम्बलिंग एक्ट में डिटेक्ट हुआ है और 2 केसेस फॉरेस्ट एक्ट में डिटेक्ट हुए। ये सारा आंकड़ा जो पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से कई गुना ज्यादा है। जो पिछली बार 2022 विधानसभा चुनाव में कुल 1500 लीटर शराब और 62 ग्राम हेरोइन की जब्ती हुई थी। जिला पुलिस सोलन में कुल 1366 पुलिस फोर्स इस पॉलिंग प्रोसेस में डिप्लॉयड है। इसमें SAP के झारखंड के SAP की 4 कंपनी हैं, 423 होमगार्ड के जवान हैं, बाकी सभी पुलिस के जवान हैं और ITBP की 1 प्लाटून डिप्लॉयड है। SAP का जो डिप्लॉयमेंट और CAPF का डिप्लॉयमेंट क्रिटिकल पॉलिंग स्टेशन पर किया गया है। इनका डिप्लॉयमेंट स्ट्रॉन्ग रूम्स की प्रोटेक्शन, EVMs की प्रोटेक्शन के लिए किया गया है। QRTs में इनका डिप्लॉयमेंट किया गया है और जो इंटरस्टेट नाकाबंदी है उनमें भी इनको डिप्लॉय किया गया है। सोलन जिला में 9 FSTs राउंड द क्लॉक काम कर रही है और 9 SSTs भी फंक्शनल है। इसके अलावा इंटरस्टेट बॉर्डर इश्यूज को कोऑर्डिनेट करने के लिए और एड्रेस करने के लिए हमने जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला के साथ SP DCP लेवल की 4 मीटिंग्स की और DSP ACP लेवल की 3 मीटिंग्स और SHO लेवल की 2 मीटिंग्स कंप्लीट की। इसके अतिरिक्त जिला में इस दौरान बॉर्डर कोड लगने के बाद 73 NBWs जो है नॉन अवेलेबल वारंट्स रिसीव हुए थे, जो 100% नॉन अवेलेबल वारंट्स जो है एग्जीक्यूट किए जा चुके हैं। इसके अलावा बाकी सभी फोर्स की डिप्लॉयमेंट पॉलिंग स्टेशन, QRTs, स्ट्रॉन्ग रूम्स, नाकाबंदी पर कर दी गई है। थैंक यू। SP बद्दी भी जुड़े हैं मैडम, जरा आप भी मैडम ब्रीफ कर दें। किसी माइक के पास माइक ऑन करो, वहां से बोलना। बोलो वहां से मैडम। SP बद्दी से आग्रह रहेगा कि वो प्रेस ब्रीफिंग के लिए अपने बैठ सकते हैं। आवाज आ रही है? यस यस, यू आर राइट। बद्दी पुलिस जिला में कितने डिप्लॉयमेंट है और कितने क्रिटिकल? हम बेसिक फैक्ट बता देते हैं हमारी, कितनी डिप्लॉयमेंट है, कितनी बाउंड्री है और क्या क्या टीम एक्टिवेट है, उसके बाद सीजर के बारे में थोड़ा फैक्चुअल बता दें। दिन रात हम लोग मौजूद हैं लोगों के बीच में, ताकि जन विश्वास बना रहे, लोकतंत्र के
उसके लिए हम लोग सब सजन ग्राउंड पे काम और मेरी सारी जनता की अपील है कि कानून व्यवस्था बना देंगे आप लोग पुलिस बल का हर से भी आया हमारे फ्रेंड्स का भी